बिल्कुल मत करो, मतलब तुम्हारा हर एक दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब से स्मार्ट स्टडीज की अभी से स्मार्ट स्टडीज करो, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब जो आता है उसे बहुत स्ट्रांग करो, और जो नहीं आता है उसको इतना लेवल पे ले आओ कि हम कुछ सोच सकते उसके बारे में, मतलब एकदम जीरो। अगर उस टॉपिक का कोई आसान सवाल आता है तो ऐसा लगता है कर ही नहीं पाए, मतलब जैसे मेंस है, मेंस पे क्लास में बच अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो एक बार IIT का कोई ट्रिप लेके जरूर आना, मेरा बहुत टाइम तो नहीं बचा है। मैंने जो किया था ड्रॉप ईयर में अपने, मैंने एक पोस्टर बनवाया था, एक जगह IIT बॉम्बे था और एक जगह TIT था। सो जब भी मोटिवेट, मतलब तुम्हें लग रहा है कि अब नहीं होगा यार, अब चलते हैं ब्रेक ले लेते हैं, तुम्हें खुद को मालूम है तुमने पूरा नहीं किया है, उस पोस्टर को जरूर देखना और फिर तुम्हें खुद ही लगेगा कि कहाँ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेन यही है, टाइम को सबसे अच्छा करो, जो मेन है मेन केमिस्ट्री पे फोकस जरूर करना, ये मैं सर का अपोजिट बोल रहा हूँ, मगर हाँ केमिस्ट्री को सही में इंपॉर्टेंस देना। मतलब सर इट विल कि मेन्स में 40 to 45 मिनट्स में आपका पेपर कम्प्लीट होगा, वो केमिस्ट्री का पेपर पक्का कम्प्लीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लेगा, मगर मैथ्स का कुछ कह नहीं सकते इस बार का पेपर। मतलब इट वॉज कि टाइम डिपेंडेंट था, मैंने 1 घंटे दिया, मेरा आया 60 नंबर है, और वही अगर वो उससे ज़्यादा टाइम अगर मैं केमिस्ट्री को दे देता, केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब से चालू कर देना देना। मेन आप NCERT ज़रूर पढ़ना, एकदम वोट देना, मेन्स के लिए तो स्पेशली आप वोट के ही जाना, मतलब उसके बाद बिल्कुल नहीं आता है। कोई बोले कि ये भी पढ़ लेना ये भी पढ़ लेना, वो बात की बात है, आपको NCERT मेन प्रेफरेंस रहेगी। और फिजिक्स के लिए जो छोटे टॉपिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स NCERT के बाहर नहीं आएगा, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना। सेमी कंडक्टर्स, ये सारे मेन्स के टॉपिक हैं सेमी कंडक्टर्स, एडवांस में तो मॉडर्न तो आप सफिशेंट है, NCERT बहुत ज़्यादा सफिशेंट है उसमें आपको एक, मगर हाँ इन बिटवीन द लाइन्स आते हैं उसके, वो ज़रूर ध्यान रखना कि आप सुपरफिशियल रीडिंग करना अगर करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, आप डेप्थ में जाके ज़रूर पढ़ना उसको, उसकी एक एक लाइन का मतलब समझो, उसके जो डायग्राम्स है, जो चार्ट्स है, मेनली केमिस्ट्री में जो चार्ट्स हैं हम लोग को कि स्पेलिंग मिस्टेक पे हम लोग के क्वेश्चन गलत है 2016 में 16 एंड एक और क्वेश्चन था, तो कोई भी टेबल छोड़ना मत, पॉलीमर्स की टेबल वो एकदम रट के जाना कौन सा किससे, एक सेकंड लगता है उसको टिक मारने में कि ये इससे बना है, कितना टाइम लगता है उसको याद करने में। आपको मैथ्स का भी एक क्वेश्चन 4 नंबर दिलाएगा, इसका भी एक 4 नंबर दिलाएगा, तो मेनली ये तो स्कोरिंग केमिस्ट्री रहेगा ही रहेगा। और सर मतलब मैथ्स में तो अब आप टाइम आपको लग रहा है कि ये मुझे आता है तो आप वीडियो लाइब्रेरी में जाके उसको फॉरवर्ड करके सिर्फ क्वेश्चंस कर लीजिए, क्लास में बैठ के कि बतोले मार रहे हैं दोस्तों के साथ, वो अब आप करोगे तो एट लास्ट आपका ही नुकसान होना है। 6 महीने बाद आपके दोस्त जा रहे हैं IIT और आप कुछ नहीं कर पाए और आप ऐसे ही कॉलेज में जा रहे हो, आपको ही बुरा लगेगा। अब आपके पास है 6 महीने, बहुत है, मतलब सही में बता रहा हूँ, अगर अब से भी आपने सीरियसली नहीं लिया है, अगर आप पढ़ना चालू करते हैं तो होगा, बिल्कुल होगा। किसी तरीके के क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूछ लो, किसी को पूछना है सर, पर ये मतलब पूछना है भैया, मतलब IIT तो ठीक है, जब अपन स्कूल में ही पढ़ रहे हैं बोर्ड लेवल पर, तो बोर्ड लेवल की बुक्स स्कूल में ही निपटाना बेहतर होना चाहिए ना। बिल्कुल, स्कूल में जा रहे हो तो मतलब कुछ प्रोडक्टिव स्कूल में हो तो बहुत जरूरी है कि NCERT अगर आप स्कूल में कंप्लीट कर पा रहे हो अपनी, और आप कोशिश करो कि जैसे केमिस्ट्री में तीनों की NCERT अगर आप स्कूल में कर पा रहे हो तो वहाँ कंप्लीट करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोचिंग का भी कुछ मटेरियल स्कूल लेके चले जाएंगे। हम लोग तो वही करते थे छुपके से, मतलब जो भी स्कूल को रहती थी किचन में सीधा कह दिया तुम आओगे बाहर बैठोगे, वहाँ बाहर बैठ के मैं कोचिंग करता हूँ, मतलब ऐसा ऐसा भी होता है, मतलब डांट तो पड़ेगी, ऐसा तो है, डांट तो हम लोग ने भी खाई, हमारा भी कोचिंग का मटेरियल पकड़ा गया स्कूल। मेरी 30% अटेंडेंस थी 12th में, टीचर ने बाद में इतनी कर दी कि मतलब बच्चा मेहनत कर रहा है, अच्छा डाल के रखना टीचर से, कोई भी पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत डांट सकता है लेकिन कोई नेगेटिव इमेज नहीं बनाएगा कि यार पढ़ रहे हो। सिर्फ 1 साल का तुम्हारा है, 6 महीने का है, 6 महीने कैसे भी झेल लो, मतलब मेहनत अच्छे से कर लो, बाद में मतलब ऐसी लाइफ है जैसे तुम सिर्फ IIT बॉम्बे, मतलब जब पता चलेगा ना, जैसे भी पता चल रहा है, अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं और अच्छे से मेहनत करता, मतलब ऐसी लाइफ है, हर चीज़ तुम सीख सकते हो, कोई भी हर नई चीज़ तुम्हें वहाँ सीख सकते हो, चाहे मतलब
स्पोर्ट्स ले लो, कुछ टेक्निकल ले लो, कुछ कल्चरल ले लो, मतलब इतनी अच्छी लाइफ है वहाँ की, मतलब अगर थोड़ा पता करो कैसा है, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, मतलब थोड़ा बहुत पता कर लो, तुम्हारा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा। यार लाइफ के बारे में बताओ तो ये बंदा, हम लोग बोलते बोलते क्या कर रहा है यार, इतना पढ़ता है, स्कूल के फेयरवेल में भी नहीं गया था ये अपने, मतलब सुबह से लेकर रात तक कोचिंग में बैठता था, नाक से खून आने लगता था, इतना भी हालत था उसका। मगर अब ये डिजर्व करता है, अब ये इसके पास पूरी फ्रीडम है, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, इन तीनों से ज्यादा घूमता होगा, ये हम तीनों से ज्यादा घूमता है, तो यार थोड़ा सा अभी से आज लोग लेकिन मैंने जो 2 साल मेहनत करी उस बेसिस पे मुझे ये लगता था कि मैं 1 साल और मेहनत कर पाऊंगा, ये सबके ऊपर अपनी कैपेबिलिटी है, जो चाहता है वो ड्रॉप ले सकता है, जो मेहनत कर सकता है, लेकिन मुझे लगा नहीं। ऊपर से क्या है कि मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, और मुझे ये पता था कि अगर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मुझे एडवांस में अगर 1000 के अंदर मेरी नहीं आई तो कोई सेंस ही नहीं मेरे ड्रॉप लेने का, और मुझे यहाँ वी आई टी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, वी आई टी मेरी रैंक थी 2000 समथिंग, वी आई टी रैंक 11,000 थे एडवांस में, तो मैं मुझे क्योंकि कंप्यूटर साइंस चाहिए था, मेरा इंटरेस्ट भी था कंप्यूटर साइंस में, और मैं मुझे ये भी मैं श्योर नहीं था कि मैं 1 साल और मेहनत इतनी कर पाऊँ जितनी मैंने 2 साल करी, तो इसलिए मैंने चूज किया कि मैं वी आई टी कहूँ। वी आई टी और आई आई टी की लाइफ में मेन डिफरेंस मैं ये कहूँगा, मेन डिफरेंस आता है क्राउड का, सबसे मेन डिफरेंस यही है, जो इन लोग को पढ़ाते हैं ऐसा नहीं हम लोग को भी सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है, हम लोग कुछ अलग नहीं पढ़ाते, लेकिन बात यह है कि ये लोग दिन भर साथ में रहते हैं आई आई टी एंस के, मैं दिन भर साथ में रहता हूँ वी आई टी एंस के, ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है, तो ये लोग जो जिस लेवल पे आपस में डिस्कशन करते हैं और हम लोग जिसमें करते हैं उसमें अंतर क्या ये है। वी आई टी एंस कई जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो ब्रांच फोकस्ड होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको ब्रांच चाहिए कि भाई मुझे मैकेनिकल में ही काम करना है, मुझे कॉलेज से मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग हैं वहाँ पे बहुत जो भी ब्रांच स्पेसिफिक थे और उनको अपनी स्पेसिफिक ब्रांच नहीं मिल पाई इसलिए वो आईआईटी उन्हें प्रेफर नहीं किया, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्रांच प्रेफर नहीं है लेकिन कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे लोग हैं, उस कारण हेल्प होती है ऐसा। कंप्यूटर साइंस के बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब मेरा ही एक फ्रेंड है मेरे साथ के, वो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया है हैकाथॉन के लिए, आज की फ्लाइट है मेरे साथ की, मैं नहीं जा पाया, मैं आगे दिवाली पे, लेकिन वो लोग गया, तो इसलिए कॉलेज में डिफरेंस मेनली यही आता है कि आपको जो क्राउड मिलता है, आई आई टी में जाओगे आपको बेहतर क्राउड मिलेगा, उसके बाद में जाके प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी होता है इंटर्नशिप, इन लोग को ज़्यादा ऑफर होती है, इन लोग की वैल्यू हम लोग से ज़्यादा रहेगी, लेकिन बात यह अगर आप कहीं पे भी मेहनत कर रहे हो तो कितना रिफ्लेक्ट चेंज नहीं आएगा। नहीं नहीं मैं जैसे बेस्ट का पूछ रहा, जैसे आईटी में बेस्ट किया रहा नहीं है पढ़े नहीं जैसे मतलब वीआईटी में उस लेवल का होता है, वीआईटी का बहुत अच्छा होगा, फिफ्थ रहा ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक पे रिवेरा जो कल्चरल फेस्ट होता है, लास्ट ईयर में बता दूं कौन कौन आया था, फर्स्ट डे पे आया था सुरेश रैना, फर्स्ट डे पे आया था सुरेश रैना और शंकर महादेवन फर्स्ट डे थे, सेकेंड डे अरमान मलिक, थर्ड डे फरहान अख्तर, फोर्थ डे आयुष्मान खुराना, देन हम लोग लेकिन जो स्टार्स वगैरह है इनका बेटर रहते हैं टोटल। देख ये सोच के मत जाना कि कितने परसेंट आ रहा है, बट पेपर पे डिपेंड करता है, बट पिछली बार 203 एंड समथिंग 800-900 रैंक आया था पिछले 2016 में, मेरे 203 एंड माय रैंक है 6.20, बिल्कुल मत जाना है सोच के क्या 40% ले आएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं, वो पेपर पे डिपेंडेंट है कि कैसा आने वाला है, कुछ सोच के मत जाना, पहले सोच के यार टफ ही आएगा, लोग होते हैं कि आसान क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, इतना आसान कैसे पूछ सकता है, तो उसमें भी गलती कर देते हैं हम, पूछा है
लास्ट टू लास्ट ईयर ट्वेंटी पर आए, तो ऐसे घटिया क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ऐसा कठिन पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉप भी वो दो मिनट तीन मिनट जितना दिया उसमें नहीं कर पाएगा, तो वो डिपेंड करता है उस दिन पे डिपेंड करता है। मेन एनालिसिस रहेगा तुम्हें पाँच दस मिनट में समझ में आ जाएगा तुम्हें कहाँ से चालू करना है और वहीं से चालू करना, ये मात्र है ना कि सर ने बोला था मैथ से चालू करेंगे, मैथ आया ऐसा कि फट गए हाथ में। और ये भी है कि मतलब तीनों जैसे ठीक है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है वो तुम्हें पहले करना है, पर ऐसा मत करना कि तुमने कोई तीसरा ऐसा रखा है और तुम्हारा छूट गया पेपर, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखना चाहिए कि जैसे केमिस्ट्री जल्दी करने की कोशिश करो, सही करने की कोशिश करो, फिर मैथ्स फिजिक्स जो भी है तो वो तुम पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग आप देखते हो स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन आपको इतने टफ, मेरे साथ हुआ था मेंस में, मैंने फिजिक्स के स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन देखे थे, मुझे दोनों नहीं आते थे और बहुत टफ लगे, ठीक है, तो मैंने फिजिक्स छोड़ दी, ये सोचे कि मुझे फिजिक्स नहीं आ रही, ठीक है, उसके बाद मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री की लास्ट के 15 मिनट में जब मैं आया फिजिक्स में तो मुझे पता चला कि एक्चुअली वो दो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन थे, और वो मैंने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जज कर लिया था कि फिजिक्स टफ, तो केवल स्टार्टिंग में दो या तीन क्वेश्चन से पूरा सेक्शन जज बन गया। एक हफ्ते पहले से अब जितना कुछ नया मत पढ़ना भाई, एक एक दो हफ्ते पहले कोई दोस्त होते हैं चुल्ली वाले करने वो जितना तुमने पढ़ा बहुत अच्छा भाई। मैं देखो अपना फोन ऑफ कर लो, और ऐसा है कि मेंस एडवांस पे जैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो तुम बहुत टेंशन लेने वाले हो तो अगर तुम एक दिन पूरा फ्री हो गए ना तो और तुम्हें एंजाइटी हो जाएगी, सिर्फ थोड़ा बहुत पुराना ऐसे देख लिया, हाँ देख सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये हम हमारे भी एकदम सुनना नहीं, हम लोग ने इतना बोला पर जो तुम्हें सही लगता है वो तुम ही करो, ऐसा नहीं कि हमने बोला है हम आईआईटी में तो हमारा सही है, तुम्हारे खुद पे है जो तुम्हें सही लग रहा है वो हमसे लो इनपुट, तुम्हें क्या लगता है वो देखो और फिर अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एक बॉडी क्लॉक होता है भाई, देख 9 to 12 पेपर देने की आदत जरूर डालना, वो कभी भी कर, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जरूर डालना 9 to 12 पेपर देने, मतलब पेपर जिस टाइम चल रहा है मतलब तुम्हारा हो सकता है तुम 2 से 5 पेपर दे रहे हो सुबह और तुम्हारा तब बढ़िया दिमाग चल रहा हो, 9 से 12 तुम सो रहे हो पेपर में, उसका भी कोई सेंस नहीं है ना, 9 से 12 और 2 से 5 मतलब एडवांस का टाइमिंग, 9:30 to 12:30 ये मेंस का टाइमिंग है, उसमें पेपर देने की आदत जरूर डालना, आपका दिमाग उस टाइम में बहुत तेजी से काम करेगा। इसमें ट्राई करो कि इस टाइम में तुम एक्टिव रहो, मतलब जैसे सुबह उठ रहे हो तो मतलब ऐसा बनाओ कि 6 घंटे या 8 घंटे, वैसे तो एडवांस वाले हो तो 6 घंटे 6 घंटे की नींद लेनी, उससे काम कर सकते हो। नाइट स्टडी का ऐसा है कि मतलब वो भी डिपेंड करता है, हम लोग का एक बार 11 में चढ़ गई थी कि नहीं आज तो ट्रिग्नोमेट्री एक बुक निपटाएंगे, तो मैं और ये चले गए कोचिंग, सर हमें पढ़ना है पूरी रात भर, तो रात भर कोचिंग में बैठ के क्वेश्चन कर रहे थे, तो डिपेंड करता है, मतलब वैसे अपन इतना एफिशिएंसी से नहीं कर पाते हैं नाइट में, जैसे तुम जानते हो जैसे सुबह जैसे तुमने नहा धो लिया है फ्रेश हो तो अच्छे से होता है, तो देख लो मतलब 1-2 बजे तक ठीक है, उससे ज़्यादा ऐसे 4-5 बजे तक पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, 1-2 तक ठीक है, 2-3 तक चलो कभी कभी, पर इतना उससे तीन से ज्यादा तो नहीं मत जाओ, नींद 6 घंटे से कम मत करना, मैं ये बोलूंगा, मतलब कोई मतलब नहीं है तुम 20-20 घंटे पढ़ लिए 3 दिन और फिर तुम एक हफ्ते बिस्तर पर हो तो उसका और मतलब खाना वाना भी बढ़िया खाओ, जैसे और रिलेटिव की बात बिल्कुल मत सुनना, वो सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे खतरनाक है भाई, अपने माँ बाप अपने टीचर्स जो बोल रहे हैं सबसे बेस्ट वही है, अपना ग्रुप बहुत अच्छा करना कि यार ग्रुप में अगर तुम ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कुछ होते हैं ग्रुप्स की यार 3 घंटे बोलते हैं 3 घंटे पढ़ेंगे उसमें 15 मिनट पढ़ते हैं और बाकी पौने दिन कुछ करते ही नहीं है, तो वो ऐसा ग्रुप मत बनाना प्लीज, और ग्रुप बनाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने जितना सीखा है मैंने इन लोगों से डिस्कस करके सीखा,
हम लोग आपस में इतना डिस्कस करते रहते थे, कोई ना कोई डाउट पूछ रहे थे एक दूसरे से, तो आपस में हम लोगों ने इतना सीखा है, इतना शायद टीचर्स ने भी उतने सिखाया, लेकिन आपस में भी बहुत सारी नई चीज है, क्योंकि इसने कुछ नया पढ़ा है तो वो मुझे आगे कुछ डिस्कस करेगा तो मुझे भी कुछ पता है, मैंने कुछ नया पढ़ा है तो मैं डिस्कस करूंगा तो उसको भी पता चले, कोई ट्रिक बता देगा याद करने की वगैरह, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डिस्कस करते करते हम। और कोई डाउट? मतलब मेरा देखो क्या था कि 9-10 में बहुत क्रिकेट वगैरह बहुत खेलता था, ठीक है, कोचिंग जाता था, क्रिकेट वगैरह का चलता था, मैंने सोचा मतलब 11-12 मैंने पूरा हर चीज से कट ऑफ हो गया, फिर मतलब क्या है कि देखो 2 साल अब तो 6 महीने मतलब इतना एक्स्ट्रा करिकुलर अभी मत करो, अब देखो अब मैं सिर्फ स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मतलब जैसे मेरा जैसे एथलेटिक्स में हो गया मेरा, तो बाद में तुम्हें बहुत टाइम मिलता है एक्स्ट्रा करिकुलर करने का, अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो, थोड़ा बहुत कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक चाहिए, बाकी पढ़ाई मेन रखना। देखो करना है तो भाई आधा घंटा पौन घंटा मैक्सिमम कुछ भी कर ले, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ 2 घंटे रहो, ब्रेक तुमने 2 घंटे का ही ले लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, और एक उस एक्स्ट्रा करियर से एनर्जाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस फाइट में बैठे हो तुम उसी के बारे में सोच रहे हो कि यार उसमें तुम्हारा आना था, क्या पढ़ने में। कोई एक्टिव गेम मत खेलना, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं न्यू ईयर के टाइम चले गया था 3 दिन क्रिकेट खेलना, फिर मैं एक हफ्ते कुछ नहीं किया, मैंने हाथ पैर ही दुख रहा है, तो अब कोई भी एक्टिव गेम मत खेलो 6 मंथ्स है यार, उसके बाद ये इंसान खेलता ही रहता पूरे टाइम, मतलब जब देखो तब खेलने का टाइम बहुत मिलेगा, बाद में बहुत टाइम मिलता है, मतलब जो करना है करने को मिलेगा तुम अच्छे कॉलेज में हो तो, सीधी बात। और कुछ ठीक है, चलो ठीक है।